का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है जी. और ऑलराउंडर आजकल की जो नई क्रिकेट टीम में है, तो क्या आप क्या महसूस करते हैं आपकी टीम में ये सारी टीम मौजूद है? जी हमारी टीम बहुत अच्छी है, बिल्कुल बराबर कॉम्बिनेशन है. अच्छा, श्रीकांत जी के साथ खेलने से कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी मतलब मेलजोल स्वभाव उनका, काफ़ी मदद कर रहे हैं. तो इंडियन टीम में चाहिए कि आप अलग से कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसी मैच पर निर्भर करते हैं? ये जो टूर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हाँ इसमें काफ़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट टूर है हम लोगों के लिए. थैंक्स. आशीष नेहरा. आप अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या सोचते हैं? मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दूं कंट्री के लिए. उम्मीद करते हैं कि हम सीरीज जीत के ही आएंगे. ऑब्वियसली कोई भी कंट्री के लिए खेलेगा तो अच्छा ही महसूस हो रहा है. डेफिनेटली ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, उसके खेलने को काफ़ी मिलेगा, अच्छा सीखने को मिलेगा इंटरनेशनल क्रिकेट में. तो मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि बेस्ट दूँ. हमारी टीम मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा परफॉर्म करेगी वहाँ पे. ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अच्छा है, पर इसमें मतलब ऐसा सोचने वाली कोई बात नहीं है कि एडम गिलक्रिस्ट खेल रहा है, एंड्रू साइमंड्स खेलना है, बस बैट्समैन को बॉल डालना है, बस मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है. मैं भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हुआ हूँ. श्रीकांत जी काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं प्लेयर्स को, मैं सोचता हूँ वो अच्छे मैनेजर हैं. काफ़ी फील्डिंग वगैरह हम पिछले अच्छा 3-4 दिन से सेशन कर रहे हैं. मैं सोचता हूँ वनडे में फील्डिंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, मैं सोचता हूँ अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे वहाँ पर. सॉरी, हाँ बेसिकली मैं बॉलर ही हूँ. मैं टीम को कोशिश करूँगा कि मैं अपने 10 ओवर अच्छे डाल के दूँ, प्लस लोअर ऑर्डर में बैटिंग जो वनडे में ज़रूरत होती है थोड़ा हिट्स वगैरह की, वो कोशिश करूँगा अपनी तरफ से. अभी हम लोग अच्छा, वी गॉट वेरी गुड यंगस्टर्स. अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ थोड़ा अच्छा टीम खेल रहे हैं, इसलिए मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ, एक गुड एक्सपोजर मिल सकता है हमारा टीम के लिए. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. मैं बोल रहा ना, अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का टीम बहुत अच्छा टीम है, बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, क्योंकि अभी सीजन का बिगनिंग में खेल रहे हैं. ये सीजन का बिगनिंग इतना खेल रहे हैं, इसको क्या हो सकता है, अभी सेलेक्टर्स को भी चांस मिला है कि कौन कौन यंगस्टर्स अच्छा खिलाड़ी लोग है, फिर फ्यूचर के लिए अच्छा वॉडी कॉल टीम भी बन सकता है. और दूसरा है, और फ्यू क्रिकेटर्स, इंडियन क्रिकेटर्स को कम बैक करने के लिए ट्राई कर सकते हैं, उनको भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्कोर करके परफॉर्म करने के लिए, बाद में उनका चांस है ना इंडियन टीम के लाने के लिए. आप भी इंडिया टीम के कोच बन सकते हैं, वैसे तो आप एग्रेसिव कोच कहलाते हैं, अगर आप इंडिया टीम के कोच बनते तो आपकी एग्रेसिवनेस वैसे ही रहेंगी या फिर आप चेंजेस करेंगे इंडिया टीम के सीनियर टीम के हिसाब से? पहला लेट मी बिकम द कोच, देन वी विल थिंक अबाउट इट. अच्छा, ये बताइए कि आपने इतनी प्रैक्टिस हुई है और ये आपने फील्डिंग और किस पहलू पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया है इस दौरान? सी ऑल थ्री, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग, सब ऑल थ्री आर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अभी वनडे क्रिकेट में फील्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट बैटिंग बॉलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑल थ्री हैव टू बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस. अभी से एक्सपेक्टेशंस के क्या, अभी क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट सब लोग, क्या हम लोग इंडियंस हैं, इंडियन जीतने के लिए सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है, बट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टू मच, वी हैव टू टेक थिंग्स एज दे कम एज ऑफ नाउ, लाइक लेट्स नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम एवरीबॉडी. नहीं दूसरा नथिंग, आई थिंक एवरी टीम गोज थ्रू द बैड फेसेस. आई थिंक प्रॉब्ली वी आर गोइंग थ्रू लिटिल बिट ऑफ रफ फेस. आई थिंक वी हैव टू हैव पेशेंस, अभी थोड़ा पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि हमारा टीम बहुत अच्छा टीम है, इंडियन का टीम, वी हैव अ वेरी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप, अच्छा बॉलर्स भी है, थोड़ा पेशेंट रहता तो हमारा टीम अच्छा बन सकता है, अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए. सर्व खत्म. इफ हम लोग वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग अ साइड, अभी रीबिल्डिंग करने के टाइम में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए. खत्म. मालूम नहीं, कभी वो अक्टूबर फर्स्ट वीक ना, हाँ. बाद में देखेंगे, अभी पहला वो टोरंटो टूर ना, बाद उसके बाद भी ना. अभी आओ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सब प्लेयर्स इधर टैलेंटेड क्रिकेटर्स है, कौन कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है उनका अच्छा चांस है. थैंक यू. माय नेम इज शिव सुंदर दास. अभी जो ये सीरीज आ रहा है ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और
ये जो सीरीज़ है दोस्तों, इसमें जो अच्छा करेगा ऊपर ऊपर जाएगा। ये तो मेरा फर्स्ट इंडिया टूर है बाहर को, और ये अच्छा सीखने को मिलेगा। ये अभी हम लोग ऑस्ट्रेलिया साइड को खेल रहे हैं और दे आर वेरी टॉप साइड, और अच्छा मैच होगा वहाँ पर। शिव सुंदर दास ये जो ये सीरीज है सबके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सीरीज़ मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, और मैं ओपनिंग बैट्समैन हूँ, मैं ट्राई करूँगा परफॉर्म करने के लिए इस टूर में। तो आप जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आपके लिए फर्स्ट टाइम है, तो वहाँ क्या सीखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी? ये तो मेरा फर्स्ट टूर है ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट और लॉस एंजलिस में, और ये जो ऑस्ट्रेलिया साइड है फर्स्ट टाइम मैं खेल रहा हूँ, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और हम लोग अच्छा सीरीज़ होगा ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट। हाँ, हमारे साथ विवेश लक्ष्मण जो कैप्टन है, हरभजन सिंह है, डोला गणेश है, वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, और हम लोग ये प्लेयर्स लेके बहुत अच्छा कर सकते हैं वहाँ पर। बहुत अच्छा कोच है और बताते हैं जो फॉल्ट्स होता है, और स्पेशली फील्ड में जो फील्डिंग करते हैं जो अच्छा बताते हैं सब, इसलिए बहुत सीखने को मिलता है उनसे। और न्यू टेक्निक्स बताते हैं अभी फील्डिंग में, अभी तो टाइम नहीं है अभी, बट दो तीन दिन हुआ फील्डिंग प्रैक्टिस, इसको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अभी जो टीम है, हाँ, सब तो यंगस्टर्स और एक्सपर्ट, सब अच्छा यंगस्टर, इसलिए सब जोश में और जीतनेंगे, आप ट्राई करेंगे हम लोग। थैंक यू। इट्स ऑब्वियसली वेरी ग्रेट फीलिंग, आई मीन कैप्टनिंग इंडिया, एनी टीम इंडिया, आई मीन इंडिया है टीम, and it's my honor and privilege to be the captain. bahut badi responsibility. to aapko jo captain banaya gaya hai, isse to aapke upar jo pressure rehta hai captain se, aapke performance par to koi nahi, I mean I don't think so it will affect my performance, because it's just an added responsibility, that's all. but as a professional cricketer you're supposed to take that responsibility and you have to perform. aksar dekha gaya captain banne ke baad, not really, because I have to play the matches and then only I'll know, because whenever I was the captain I didn't feel the pressure as such. I mean all the players are very young and talented, and the main advantage in our team is a lot of all-rounders, so obviously everyone is looking forward to this tournament, because it's the starting of the season, new season, and everyone are looking forward to this opportunity. Yeah, obviously, because most of us have played together, maybe at a junior level, and we played Ranji Trophy and Dilip Trophy also together, so there won't be any problem as such, and the understanding will be very good and the rapport will be very good. Yeah, obviously, as I told, this is a very important tournament for me and for the entire team, and I'm hoping to make a very good consistent performance and try to make India win this tournament. Yeah, obviously, as I told, everyone are young and they're very talented and they are committed and they are very enthusiastic. So obviously, the fielding is very good and up to the standard. I mean, it's amazing. I mean, the confidence which he infuses among the players is amazing, and everyone are looking forward to tour with him to Los Angeles and gain some experience from him. Yeah, I mean any Australian side is very competitive, because they play the cricket very hard, so everyone are looking forward to the challenge. Yeah, that's what I mean, as I told, because they play the cricket in a hard way, so even we have got a very good side, so it will be a very competitive series. Okay, best of luck. Thank you.